मुझे कोई संदेह नहीं कि पटना की आवाम का विश्वास जीत कर मैं ये चुनाव भी जीतूंगा। और यहाँ पर जो जनता है वो त्रस्त है, वो अपने सांसद को ढूंढ रही है लेकिन वो लापता है। मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं मौजूद रहूँगा और पटना के लिए जो करना है मैं ज़रूर करूँगा। मेरी पृष्ठभूमि भी है, मेरी माँ है मीरा कुमार जी, मेरे नाना जी हैं बाबू जगजीवन राम, मेरी दादी हैं सुमित्रा देवी जी, उन्होंने पटना के लिए यहाँ पर सेवा की है। यहाँ पर घर है उनका, हमारा घर है, तो हम यहाँ रहेंगे, यहाँ पर सेवा करेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। लोगों का विश्वास, लोगों का साथ, लोगों का समर्थन के बल पे जीतेंगे। क्या लगता है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है? देखिए, यहाँ पर आर्थिक विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, मंदी है, गरीबी है, गुर्बत है और आप देख रहे हैं कि ऐसी परेशानी के वक्त में जनता आवाम वोट के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त करेगी। यहाँ पर नाराजगी भी है, यहाँ पर लोग परेशान भी हैं, उनकी दुश्वारियाँ हैं, उनकी रंजिशें हैं, उनकी फरियाद हैं, लेकिन उनके सुनने के लिए कोई अभी तक नहीं आया है। तो ये भी है, और ये मत भूलिएगा कि कांग्रेस की एक सकारात्मक राजनीति है, हमारी 5 गारंटी है, सामाजिक न्याय है, महिला सशक्तिकरण है, यहाँ पर आर्थिक विषमताओं को हटाना है, बेरोजगारी है, जो शिक्षित युवक है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, किसान जो खेत में उतरते हैं कफन बांध के उतरते हैं उनकी भी समस्याएं हैं, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, तो उनको लेके कांग्रेस हल ढूंढ के लाई है। घोषणा पत्र में हमारी गारंटी है, हम ये नहीं कहते कि हमारे वादे हैं, हमारी गारंटी है और उन गारंटी को अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। सपने तो वो बहुत देखते हैं, उनके सपने नाकार हो जाते हैं, लोग सपनों को उनके एक तरह से इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यहाँ पर तो लोग समझते हैं कि 300 सीट आ गई और समझते हैं 400 आ गई। देखिए, हम अपने सकारात्मक राजनीति पे और इस सरकार के प्रति जो नाराजगी है उस पर ये चुनाव जीतेंगे। अंशु जी, एक सवाल होगा, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बहुजनों का संपत्ति लेकर माइनॉरिटी में बांटने का काम करेगी, ऐसा गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी। नहीं नहीं, तो उनका आरोप लगाना तो हमेशा काम है, उनकी राजनीति से तो आप वाकिफ हैं, आप तो जानते हैं वो लोगों को बांटना चाहते हैं, तो यही तो फर्क है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, हम समता और समरसता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज को बांटने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो समझते हैं उनकी रणनीति, उनका खेल, और जब वो दबाव आता है, जब हारने की स्थिति आती है तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं, ये तो जानते हैं ये सियासत है, ये तो उनकी रणनीति है, ये उनकी राजनीति है। इस आवाम समझदार है, लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, जनता जानती है कि क्या हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को हम एकजुट के लड़ रहे हैं, महागठबंधन को वोट जरूर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए।